मैं सीधे चलूंगा पुष्पेश सर के पास। सर अब मुझे एक चीज समझाइए पुष्पेश सर, हमारे दर्शकों को बताइए, हमने फ्रांस का साथ दिया ऐसी मुश्किल घड़ी में, हम ग्रीस के साथ खड़े हो चुके हैं, हम आर्मेनिया के साथ खड़े हो चुके हैं, भारत ने बता दिया है जो पर्पेट्रेटर्स ऑफ पीस हैं, जो शांति के खिलाफ लोग हैं, चाहे वो एर्दोगन है, चाहे वो इमरान खान है, जो कश्मीर और भारत के इंटरनल मैटर्स में आ रहे हैं, दिस इज न्यू इंडिया, हम पूरी दुनिया के साथ आपके खिलाफ आएंगे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत, मगर मैं सोचता हूँ कि जो बात जनरल प्रसाद कह रहे थे वो बहुत पते की है और महत्वपूर्ण है कि भारत के लिए ये समस्या बड़ी विकट है कि हम इसे इस्लामी दुनिया बनाम ईसाइयत की लड़ाई ना करें, जैसा उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा। भारत 30-35 वर्ष से झेल रहा है और चीन भी कोई ईसाई देश नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये पूरी जो लड़ाई है वो आतंकवाद की बाकी सारी दुनिया के देशों के साथ है, और इंडोनेशिया के बाद भारत और बांग्लादेश का ही नंबर सबसे अधिक मुसलमानों का है, तो हमारे लिए संयम बरतना इसलिए ज़रूरी है। यदि आप देखें तो हमारे यहाँ भी आंदोलन के लिए 20-25 हज़ार लोग भड़का कर इकट्ठा कोई भोपाल में कर लेता है, कोई बांग्लादेश में आंदोलन वाली सड़क पर आ जाते हैं, तो हमारे यहाँ जितनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, हमको ये खतरा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि हम इसे इस्लाम की लड़ाई सारी दुनिया के साथ, इस्लाम की लड़ाई हिंदू धर्म के साथ, इस्लाम की लड़ाई श्रीलंका की आप याद करें, पिछले साल ईस्टर में वहाँ क्या हुआ था। और रही बात जहाँ तक मस्जिदों के जलाए जाने की है, ये भी बात सोची जा सकती है कि इन्हें नव नाजी नव नस्लवादी जला रहे हैं, या तुर्की के कोई खुफिया एजेंट आप भड़काने के लिए, घटना को और तूल देने के लिए, प्रतिक्रिया को और हिंसक बनाने के लिए ये कार्य खुद कर रहे हो, जो लोग खुद आत्मघातक हमले कर सकते हैं इस्लाम की सारी हिदायतों के खिलाफ, जहाँ सुसाइड बिल्कुल मना है, पाप है, तो वहाँ ये लोग ये भी संभव कर सकते हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पुष्पेश सर।